इस वक्त भारत में सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक सवाल की गूंज है। सवाल ये कि इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी सीट से क्यों नहीं उतरे। क्या इसलिए कि रायबरेली की सीट अमेठी की तुलना में कांग्रेस के लिए ज्यादा सुरक्षित दिख रही है, या फिर वजह कुछ और है? चलिए हर बड़े पहलू को टटोल कर इस सवाल का असल जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। अरे डरो मत, भागो मत। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। राहुल गांधी जब साल 2019 में अमेठी से लोकसभा चुनाव हारे थे तो वो केरल की वायनाड सीट की वजह से सांसद रह पाए। कुछ वक्त पहले कहा गया था कि राहुल 2024 में यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो यहां से जीत भी गए तो भी उनके लिए वायनाड छोड़ने का फैसला मुश्किल हो जाएगा। उस दौरान ये बात सामने आई कि राहुल ने वायनाड सीट छोड़ी तो उसका असर केरल के आगामी विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। उधर प्रियंका गांधी को लेकर भी खबर आई कि वो भी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ना नहीं चाहती। यहाँ एक दलील ये भी दी गई कि कांग्रेस नहीं चाहती कि उस पर चुनावी सियासत में परिवारवाद का आरोप लगे। ऐसे में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि अगर गांधी परिवार से कोई हिंदी पट्टी में चुनाव नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस को क्या ये भारी नहीं पड़ेगा। जब इसी चर्चा ने जोर पकड़ा तो रायबरेली और अमेठी को लेकर राहुल का नाम सामने आने लगा। लंबे सस्पेंस के बाद आखिरकार कांग्रेस ने ऐलान किया कि वायनाड से चुनावी मैदान में उतरे राहुल रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस बार गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरीलाल शर्मा को अमेठी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। शर्मा वो प्रमुख व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के लिए अमेठी के साथ साथ रायबरेली के कामकाज को भी संभाल चुके हैं। इस चुनाव में लंबे वक्त बाद ऐसा पहली बार होगा कि अमेठी लोकसभा सीट से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनावी मैदान में नहीं होगा। साल 1999 में सोनिया गांधी ने यहां से लोकसभा चुनाव जीता था। फिर साल 2004 के चुनाव में वो रायबरेली चली गईं और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और जीते भी। आजादी के बाद से कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें ही तीन तीन बार ही हारी हैं। साल 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई थीं। इसके बाद 1996 और 1998 के चुनाव में भी कांग्रेस इस सीट पर हारी थी, मगर उसके बाद से यहां अभी तक कांग्रेस नहीं हारी। साल 2019 के चुनाव में भी यहां कांग्रेस की सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। फिरोज गांधी ने 1952 और 1957 में रायबरेली से चुनाव जीते थे। वहीं इंदिरा गांधी ने 1967 में इस सीट पर जीत दर्ज की। उनको 1971 में भी यहां जीत मिली, लेकिन 1977 में वो यहां से चुनाव हार गईं। फिर साल 1980 में इंदिरा यहां से एक बार फिर जीती, मगर मैडक सीट से भी जीतने पर उन्होंने रायबरेली को छोड़ दिया। बात अमेठी की करें तो कांग्रेस 1977 और 1998 के चुनाव यहां से हार चुकी है। इसके अलावा 2019 में भी ये सीट गवा चुकी है, जब राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी के सामने चुनाव हार गए। अमेठी सीट से सोनिया और राहुल से पहले संजय गांधी और राजीव गांधी भी सांसद रहे थे। चलिए अब आपको इस मामले पर हो रही सियासी बयानबाजी भी सुनवा देते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को दो महीने की तीन महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे, और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं,
और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, 4 लाख गरीब परिवारों के शौचालय बने, 3,50,000 परिवारों को नल से जल मिला, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 1,14,000 घर बने, गरीबों के आवास बने, तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। आज मैं अमेठी की जनता को नव संकल्प विकास का इसके साथ आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पुनः बनने वाली है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारों के मध्य में समन्वय कर हम विकास को केंद्र बिंदु बनाकर यहां काम करते रहेंगे। अमेठी के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ और परिश्रम, मेरे नेतृत्व का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन आज अमेठी में चुनाव में वोट पड़ने से पहले ही एक इतिहास रच चुका है। और 20 मई को जब हमारे नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को पुनः अपना आशीर्वाद देंगे, तब अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा जाएगा। देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की बिना चुनाव लड़े पराजय स्वीकार करना है, आत्मसमर्पण करना है, और अमेठी से भागने का मतलब यह है कि कांग्रेस को आने वाले समय में अब रायबरेली से भी भागना पड़ेगा, क्योंकि इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा, अमेठी में खिल चुका है। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है, और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी, वो रायबरेली में हैं, और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं यह मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही, इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर, कन्नौज का आपने जिक्र किया, कन्नौज में ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली भी होने वाली है। नहीं, जितनी रैली चाहे कर लें, जितनी जल्दी चाहे कर लें, लेकिन खिलेगा कमल, साइकिल पंचर होगी और हाथ का पंजा जनता मरोड़ देगी, और कमल खिला करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। सर, स्मृति ईरानी का शामिल अमेठी से चुनाव लड़ रही है, राहुल गांधी का अमेठी ना जाना, आप कहीं ना कहीं उन्हीं का? मैंने कहा ना, डर स्मृति ईरानी जी का भी है, डर भारतीय जनता पार्टी का भी है, डर वहां की जनता से भी है, और उनको ये मालूम नहीं है कि जिस स्थिति में वो 2019 में अमेठी से हार करके गए थे, उससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की इस समय रायबरेली में हो चुकी है। देखिए, अमेठी से केएल शर्मा को लड़ाना ठीक इसलिए था कि 1991 में जब वहां राजीव जी आए तो कैप्टन सतीश शर्मा उनके साथ आए, और तब से केएल शर्मा उनके साथ, तो वो अमेठी में एक एक घर, एक एक परिवार, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। अब बात रही रायबरेली की, तो परंपरागत रूप से रायबरेली से सीनियर मेंबर जो होता है परिवार का, फिरोज गांधी साहब के बाद इंदिरा जी ने यही चुना, इंदिरा जी के बाद जब सोनिया जी आई तो अमेठी में राजीव जी की सीट पे आई, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो वो आ गई रायबरेली, और राहुल जी ने शुरू किया अमेठी से,
अब इस समय हमारे सर्वोच्च नेता अगर कांग्रेस में कोई है तो राहुल गांधी है, तो अपने अमेठी से यहाँ आ गए, अब वहाँ से परिवार की ही तरह एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है।